चिमटा आपकी आपके वाले साहब की पहचान बना। तो इसको मौसीकी के साथ किस तरीके से सिंक किया, ये इम्तिजाज कैसे समझ में आया, कैसे ये सबके सामने आया? कुछ चीज़ें होती जो इंसान को समझ नहीं पाता, इंसान नहीं समझ पाता। देखिए, कुछ चीज़ों के लिए कुछ लोग बनते, कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए बनते। शायद ऐसा ही इम्तिजाज हुआ कि हम लोहे को एक लोहे के साथ अटैच रहे, लोहार हैं तो मेरे वाले साहब लोहार थे, तो लोहे के साथ असला बनता है, तलवार बनती है, गोली बनती है, कोई ऐसी चीज़ें जो काट देती हैं वो बनती है, नाइफ बन जाती है, छुरियाँ बन जाती हैं। ये वाहिद लोहा है जो दरवेशी लोहा है, जो किसी को मारता नहीं है। ये अमन की आवाज़ है, ये बजता है तो दुनिया इसकी तरफ बढ़ती है। तो ठीक है ना, उससे तो बेहतर है। तो ज़िंदगी में चार दिन अगर इंसान ने आना है, तो मेरी कभी मैं अपने आप के साथ सवाल करता हूँ कि अगर इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है तो पूरी दुनिया लड़ क्यों रही है, क्यों लड़ रही है? घरों में लड़ रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं, पता भी है कि कोई ज़िंदगी इतना वो नहीं है, तो फिर क्यों? तो मैं समझता हूँ कि उसका जवाब अगर मिलता है वो चिमटे की ताल से मिलता है। उसमें आप वो बोलता है, बोल मिटी दया बावया तेरे दुखा ने मा